आप देख रहे हैं भास्कर समाचार। अब खबर सबसे पहले। बलिया में सहारा न्यूज चैनल के पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद पत्रकारों में भारी आक्रोश है। इसी कड़ी में उपजा के बैनर तले पत्रकारों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम बड़ौत को दिया। एक है, तो हम एक है। पत्रकारों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। नाम जानना चाहूंगा अनवर बेग। आज तहसील में क्यों एकत्रित हुए, क्या मामला है? आज तहसील में तमाम संवाददाता इसलिए इकट्ठा हुए हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों की हत्या हो रही है, जानलेवा हमले हो रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बलिया के सहारा समय संवाददाता रतन सिंह की हत्या कर दी गई। हत्यारे बेखौफ हैं, पुलिस प्रशासन लगाम नहीं लगा पा रहा। पत्रकारों की मांग यह है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कि मृतक पत्रकार के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए और परिवार में जो सदस्य बचे हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ध्वस्त है, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, पत्रकारों को पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। दरअसल उपजा के बैनर तले बागपत जनपद की बड़ौत तहसील में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के काफी संख्या में पत्रकार बड़ौत तहसील में एकत्रित हुए। पत्रकारों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को दिया। दिए गए ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि बलिया में सहारा समय चैनल के पत्रकार रतन सिंह की हत्या कर दी गई। यह केवल रतन सिंह की हत्या नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। ऐसी दुख की घड़ी में हम सभी मृतक परिवार के साथ हैं, साथ ही इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज जिले भर के पत्रकार बड़ौत तहसील में इसलिए एकत्रित हुए हैं कि बलिया में पत्रकार रतन सिंह की निर्मम हत्या की गई। इससे पहले दो और पत्रकारों की हत्या अभी 2 माह के अंदर कर दी गई। क्या ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर घातक हमला नहीं है? सरकार चुप बैठी है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, एक के बाद एक हत्याएं रोज हो रही हैं। पत्रकार एक ऐसी जगह खड़ा लोकतंत्र का प्रहरी है जिसे हर समय सभी अपराधियों के साथ, अपराधियों से भी उनका सामना होता है, पुलिस से भी होता है, नेताओं से भी होता है। पत्रकार पत्रकारिता तलवार की धार पर खड़े होकर करता है, इसलिए पत्रकारों को ये सरकार सुरक्षा दे पाने में नाकाम रही है। पत्रकार नियत्ते जाते हैं, पुलिस के पास वर्दी होती है, नेताओं के पास नेताओं की सुरक्षा के लिए पुलिस होती है, लेकिन पत्रकार गंभीर से गंभीर अपराधों की खोजबीन के लिए नियत्ते जाते हैं। उनके लिए एक सुरक्षा कानून बनाया जाना जरूरी है। प्रदेश में नहीं, देश भर में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए इस तरह कानून बने जो पत्रकारों को सुरक्षा दी। रही बात रतन सिंह की मौत के बाद, उनके परिजनों को सरकार कम से कम 1 करोड़ मुआवजा दे, उसके किसी आश्रित को सरकारी नौकरी दे और जो शेष बचे अपराधी हैं उनको कठोरतम दंड दिया जाए। बलिया में पत्रकार की हत्या का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गाजियाबाद समेत प्रदेश के कई पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं या उन पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। पत्रकार अब निर्भीक होकर पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। श्रीमान बलिया में पत्रकार साथी रतन सिंह के अभी भी हत्यारों की गिरफ्तारी पर कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता के तौर पर 1 करोड़ रुपए परिवार को मुहैया कराया जाए। इसके अलावा पत्रकारों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। नाम जानना चाहूंगा जी। प्रभात कुमार जैन। आज तहसील में क्यों एकत्रित हुए थे, क्या मामला है? देखिए, अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हमले होते जा रहे हैं, उसमें भी एक हमारे साथी जो शहीद हुए हैं रतन सिंह, जो कि बलिया से बिलोंग करते हैं, और अभी गाजियाबाद में पत्रकारों के ऊपर अटैक हुए थे। तो इस तरह के हमलों को रोकना बेहद ज़रूरी है, तभी हम लोग सभी निष्पक्ष और अच्छी रिपोर्टिंग कर पाएंगे। मन में भय लेकर आप अगर रिपोर्टिंग पर निकलते हैं तो हमारे लिए खतरा ही खतरा है, और रिपोर्टिंग भी उतनी दमदार नहीं हो पाएगी। और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि पत्रकारों को मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम मुहैया कराई जाए, उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएं, उनके भविष्य के, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ इंतजाम किए जाएं। अभी पत्रकारों के लिए कोई भी किसी तरह की पेंशन की व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। आए दिन पुलिस उनके ऊपर सख्ती करती है और उनको बंद भी कर दिया जाता है थानों में। तो इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए और पत्रकारों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान होना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? जेपी त्यागी। आज तहसील में क्यों एकत्रित हुए जी, क्या मामला है? तहसील में सारे पत्रकारों का आज एकत्र होना है,
इसलिए जरूरी था, पूरे प्रदेश में जो है पत्रकारों पर हमला जो हो रहे हैं बहुत चिंता का विषय है। आए दिन कोई ना कोई पत्रकार, उसी के साथ ये घटनाएं हो रही हैं। इसके बारे में हम कहना चाह रहे हैं कि इन घटनाओं पर विराम लगे और जो मृतक के परिजन हैं उन्हें उचित यथाचित मुआवजा दिया जाए। जो 10-15 लाख रुपए जो दिया है शासन ने घोषणा की है वो नाकामी है, वो इसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए की जो है धनराशि। पत्रकारों पर जैसे लगातार हमले हो रहे हैं, किस तरह के कानून बनाए जाने की आप कोशिश करते हैं? एक अलग से आयोग बने पूरे प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, लेकिन शासन ने इस और कोई भी अपना गंभीर रूप नहीं अपनाया। इसके लिए पत्रकारों के लिए एक नया आयोग गठन हो जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा हो और उनकी समस्याओं से भी अवगत होता रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली सैनी और आप देख रहे हैं भास्कर समाचार। खबरों से जुड़े रहने के लिए और न्यू अपडेट्स के लिए भास्कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।